को मुझ पर शक हो गया है, अगर उन्हें पता चल गया तो? अर्पिता को गौरव से शादी किए हुए और दिल्ली आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर दोनों के बीच अब तक पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। गौरव हमेशा काम में बिजी रहता, इसलिए अकेलापन और बोरियत से बचने के लिए अर्पिता ने गौरव से छुपकर एक ऑडियो ऐप में नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां वो आरजे गोयल के नाम से लोगों के डर्टी सीक्रेट सुनती है और उन्हें एडवाइस देती है। अर्पिता बिजी रहती है और पहले की तरह गौरव का अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करती, इसलिए उसे अर्पिता पर शक होने लगा है। आजकल फोन में बहुत बिजी रहती हो, लगता है नए दोस्त मिल गए हैं। नहीं, आपको कब से फर्क पड़ने लगा? आपने तो आज तक नजर भर के मुझे देखा तक नहीं। देखो, मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, पर अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो यू आर फ्री टू लीव। ये सुनकर अर्पिता की आंखें भर आती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि गौरव उससे बात बात पर ये रिश्ता तोड़कर जाने के लिए क्यों कहता है। इसी सोच में डूबी अर्पिता किसी तरह खुद को संभाल कर अपना शो शुरू ही करती है कि उसे एक और बड़ा झटका लगता है। हेलो, मैं हूँ रातों की रानी आरजे कोयल। तो आज कौन अपनी सीक्रेट्स मुझे बताएगा? हेलो कोयल, आई नीड योर एडवाइस। माय नेम इज गौरव और मेरा डर्टी सीक्रेट ये है कि। फिर आगे जो गौरव बोलता है वो सुन के अर्पिता उर्फ आरजे कोयल के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कॉलर कोई और नहीं बल्कि उसका पति गौरव था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा। आखिर ऐसा क्या सीक्रेट था गौरव का, और ये सीक्रेट जानने के बाद अब क्या करेगी अर्पिता? इस सीक्रेट का क्या असर होने वाला है इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर? क्या अर्पिता आरजे कोयल बनकर गौरव की सही मायने में मदद करेगी या उसके साथ कोई नया खेल खेलेगी? डियर लिसनर, अगला मोड अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए अर्पिता की कहानी, कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।